हाँ तो भाई आपने विमल पान मसाला जो सुपारी होती है इसकी ऐड तो दही की ही होगी। ठीक है भाई, तगड़ी ऐड है भाई। तो भाई मैं एक बात बताना चाहता हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो खाली विमल पान मसाला का ही ऐड की है। तो भाई एक बात बताऊँ, जब आप विमल लेने जाओगे तो विमल पान मसाला, तो दुकान में आपको वो क्या देगा इसके साथ? विमल और इसके साथ देगा तम्बाकू, और हम कंजूस से फायदा में ज़्यादा उठा लेंगे, ले लेंगे और खा जाएंगे। ठीक भाई, तो नुकसान हुआ ही खरा गए। अब बात करते हैं, हमने देख और लोग कहते हैं कुछ लोग कि हमने तो भाई क्या कहा है कि केवल विमल पान मसाला की ऐड की, और हमने कहा नहीं भाई आप विमल खाओ ही। तो भाई हम एक बात बताओ, हम ऐड क्यों करते हैं, एडवर्टाइजमेंट क्यों करते हैं? हमने ब्रांड को प्रमोट करने के ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा पीके और उसको लोग इसको ज़्यादा ज़्यादा खाएं। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हमने तो कहा है कि भाई आप समझदार हो भाई, आपको पता होगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो आपको ये खा सकते हो या नहीं खा सकते, आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, यूँ कहते हैं। तो भाई मैं बताता हूँ, छोटे बच्चे कहाँ समझदार होते हैं। अगर उसने कहीं टीवी देख ली भाई, और अक्षय कुमार तो भाई खा रहा था भाई क्या विमल पान मसाला, क्या पान मसाला, हम भी खाएंगे, इनको क्या पता कि सही क्या और गलत क्या है, वो तो खाएंगे इसे सही के, वो तो ना समझे, फिर बड़े होंगे फिर उनको समझ में आएगा अरे भाई मैंने तो खराब चीज़ खा ली भाई, नुकसान होने वाला। और ये चीज़ें ना लत वाली होती है, एक बार खा ली ना फिर मन करता है, अगर ये नहीं खाएंगे तो मर जाओ ऐसा फील होता है। एक भाई इसलिए ये चीज़ें कभी मत खाओ, फिर इनको भाई पछतावा होगा, भाई पहले नहीं खाओ तो अच्छा होता, पर इनको क्या पता कि ये चीज़ गलत है, वो ना समझते, छोटे थे। ठीक भाई, तो ये बड़े बन गए, फिर समझ में आया तो क्या मतलब, फिर तो वो लत नहीं छूटने वाली। नहीं, विमल पान मसाला जो दारू पीते हैं, जो स्मोकिंग करते हैं, इनकी लत कभी भी नहीं छूटती है। और ये इसलिए भाई आपको कोई भी दे भाई, कोई भी कितना थोड़ा सा भी दे भाई, भाई थोड़ा चख ले तो कभी चखना भी मत, क्योंकि चखते चखते एक कण दो कण फिर आपका पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक भाई, इसलिए छोटे बच्चे बड़े बनते हैं। ठीक भाई, हम तो समझ लेंगे क्योंकि हम तो बड़े होंगे, पर छोटे बच्चे जब बड़े होंगे तब इनको रिग्रेट तो होगा ही। सही किए भाई, पछतावा, हमने बहुत गलत खा ली, पर वो कर भी कह सकते हैं, तब तो खाएंगे, अब तो जो भी होता है देखा जाएगा, यूँ भाई नुकसान ही है गई एक तरह का। ठीक भाई, तो आज के लिए बस इतना ही, इसलिए भाई अपनी लालच में दूसरों को नुकसान मत पहुँचाओ। ठीक है, आज टैग कर ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो।